हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में नाम सोशल हीलिंग विद टैरो। और आज मैं आपके लिए करने वाली हूं करंट फीलिंग पर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और इस वक्त उनकी करंटली क्या थॉट्स हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। सो गाइज, ये पहले बता दूँ, जनरल रीडिंग होती है तो हर किसी रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिससे भी रेजोनेट हो उसे रखना है, जिससे रेजोनेट ना हो उसे जाने देना है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और हाँ, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स दोनों में मिल सकती है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त आपको लेकर क्या है। ओके, सो पहला कार्ड है आपका यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। देन है आपका टेन ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। थ्री ऑफ वांड्स, काफ़ी लंबे समय से आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं लेकिन आपको कमिटमेंट मिल नहीं रही है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कंटिन्यू रखें या छोड़ दें। शादी करने का आपके दिमाग में है थॉट लेकिन सामने वाले इंसान की तरफ से कोई आपको, इसको मैं नहीं लूँगी, एक बार मैं ही काट लूँगी, आपको कोई इशारा नहीं दिख रहा है। आप बहुत लंबे अरसे से वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ने अपनी होप ही छोड़ दिया यहाँ पे कि आप कुछ नहीं हो सकता है, बहुत देर हो गई है शायद इस टाइप से आप सोच रहे हैं। बेशक जैसा कि मैंने कहा था, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको यहाँ पे, यू नो, कंटिन्यू रखने में रिलेशन को। या तो हो सकता है कि शायद सामने वाले इंसान की तरफ से आपको कुछ कहने सुनने को ही नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बड़ी कंफ्यूज हैं, राइट, स्टक हैं आप यहाँ पे, जो कि मैं फील कर पा रही हूँ, जो कि मैं देख पा रही हूँ, आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं। एट ऑफ सोर्स फाइव ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहा है, ठीक है, यानी कि आप अपने विचारों में उलझे हुए हैं, आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है दूर दूर तक आप कहाँ जाएं, आप क्या करें, ठीक है। उम्मीद बहुत है, थी, मतलब मैं है तो नहीं कहूँगी, मैं थी की बात करूँगी, बिकॉज फाइव ऑफ कप्स बता रहा है कि किसी ना किसी ने अपनी होप छोड़ दी है यहाँ पे। कुछ लोग हैं अभी वेटिंग मोड पे बिकॉज थ्री ऑफ वॉन्स यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन हाँ किसी ने यहाँ पे अपनी होप छोड़ दी है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जिनको मैं क्लेरिफाई करूँगी, लेकिन फिलहाल की जो एनर्जी क्लेरिफिकेशन है मिल रही है वो मैं क्लियर करूँगी। थ्री ऑफ वॉन्स है, फाइव ऑफ वॉन्स है, आपको या तो झगड़े का डर है, यानी कि मान लीजिए अगर आप अपने आप जिसे भी आप फीलिंग रखते हैं उनसे आपके साथ आपकी उनके साथ आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, तो मे बी आप शायद उस चीज़ को कंटिन्यू करने में डर रहे हैं कि नहीं अगर मैंने उसको शेयर किया तो ऐसा ना हो कि वो मुझे छोड़ दे, ऐसा ना हो कि वो यू नो मेरे साथ कंटिन्यू ना रखे। तो अगर आपके मन में इस तरह की कोई फीलिंग है तो बेशक आप इस चीज़ से डरे नहीं कि अगर मैंने उससे अपनी फीलिंग शेयर करी तो ऐसा ना हो कि वो झगड़े वगैरह करे, मुझसे दोस्ती भी तोड़ दे, वह दोस्ती भी ना रखे, उसके बिना कैसे जीऊँगा या मरूँगा। इन सारी बातों को आपको साइड में रख के बस अपना पक्ष रखना है, आप जो फील करते हैं आप जो सोचते हैं वो सारी बातें आपको इस इंसान से शेयर करनी है, करनी ही होंगी, ये आपका पहला फ़र्ज़ है अपनी लाइफ को लेकर। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको टेंशन दे रहा है, मानसिक तनाव दे रहा है और आप मानसिक तनाव डिज़र्व नहीं करते हैं, इसीलिए अपना पक्ष रखें। आर्या पार वाला सिस्टम या तो रहेगा ही या तो ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से रोज़ रोज़ आपके दिमाग में टेंशन नहीं जो आप पाले रहते हैं ना, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हैं कुछ लोग जो बोलना चाहते हैं, बोलने ही वाले होते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे या तो मन में डर है उसको खोने का कि मान लीजिए अगर उसके मन में कुछ नहीं हुआ तो आपको ये लगता है ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोलूं और पता पड़े कि उसने दोस्ती भी तोड़ दी, कि नहीं भाई तू तो मेरे लिए फील करता है, मैं तेरे साथ कंटिन्यू नहीं रख सकता दोस्ती भी, तू जा अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, तो आप इस चीज़ से डर रहे हो। तो बेशक उसको जाना है तो जाए,
देखिए, अगर आप आज कंटिन्यू रखेंगे भी तो ये चीज़ आपको तकलीफ देगी, बिकॉज आपके मन में दोस्ती वाला फीलिंग नहीं है, उसके मन में भले ही दोस्ती वाला फीलिंग है, आपके मन में तो नहीं है ना। इसलिए अपने आपको हर्ट करना, बार बार टॉर्चर करना छोड़ें और खुल के अपनी बातें शेयर करें कि देखो तुम मेरे लिए संबंध स्पेशल हो, तुम मेरे लिए फ्रेंड नहीं हो। ओके, आर या पार वाला सिस्टम या तो रहेगा या तो जाएगा ही, ठीक है। और अगर हाँ हुआ तो 10 of Cups एंड सन कार्ड है, तो वो मिलेगा ही मिलेगा आपको। लाइफ की नई शुरुआत हो जाएगी, लाइफ में एक हैप्पीनेस आएगी, न्यू बिगिनिंग आएगी, और जो भी हार्ट एक आपने सहन किया था पास्ट में, उससे आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है, आपको हीलिंग मिलेगी। और अगर चला जाएगा तो एटलीस्ट जो आना है, जो है आपकी डेस्टिनी में, एटलीस्ट वो तो आ पाएगा, क्योंकि आप इसको लेके बैठे हो तो डेस्टिनी में जो है वो भी नहीं आ पा रहा है। इसलिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और कंटिन्यू रखें अपनी लाइफ में इन चीज़ों को, ठीक है। यानी कि सेल्फ लव क्या है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वांड्स, और क्वीन ऑफ वांड्स क्या बताती है, सेल्फ लव को। तो आपको सेल्फ लव में आना है। अगर आपको हार्ट एक मिला है, अगर आपके पर्सन ने आपके सामने किसी अदर पर्सन को चूज़ कर भी लिया, सो वॉट, ये आपकी ज़िंदगी है। कहीं ना कहीं ज़िंदगी ने आपको बताया कि आप कैसे इंसान के साथ में थे। देखो अपनी आँखों से, आँखें खोल कर, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस चीज़ से, क्योंकि हो सकता है कि शायद आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिकॉज काफ़ी लोगों के साथ में ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी के साथ में इंसान चला गया है, लेकिन आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। नहीं, वो आएगा, वो आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आपने ये चीज़ नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखनी है? क्योंकि जो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है उस पर क्यों ध्यान देना, राइट? इसीलिए यहाँ पर वेटिंग मोड खत्म करना होगा। आपको खुल के अपनी फीलिंग्स शेयर करनी होगी। अगर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में भी है तो उससे भी बात करें, भाई मैं फील करता हूँ तुम्हारे लिए या फील करती हूँ तुम्हारे लिए, क्या तुम आओगे कभी, मैं तुम्हारा वेट करूँ या छोड़ दूँ। बिकॉज जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ आपके साथ रहते हुए अगर वो थर्ड पार्टी के पास गया है, तो वो थर्ड पार्टी के पास रहते हुए आपसे भी बात कर सकता है, वो उस टाइप का इंसान हो सकता है। इसीलिए उसे क्लियर कट पूछें, देख भाई बता दे, ओके, हाँ है कि ना है, फिर बाप सब कुछ जाए, भाड़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 8 of Swords या 5 of Cups की नज़र आप डिज़र्व नहीं करते। इनफैक्ट कोई वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति डिज़र्व नहीं करता है। आपने ट्रू लव किया है, जो आजकल के टाइम पे देखने को भी नहीं मिलता, वो आपने किया है, और देखने को भी और फील करने को भी आपको आपके साथ मिल सकता है। तो फिर आप डिज़र्व करते हो लव। आप वेटिंग मोड आप डिज़र्व नहीं करते हो कि नहीं, आपने ट्रू लव भी किया, आप वेट भी कर रहे हो, आप स्टक भी हो, आप टेंशन में भी हो, और सब कुछ सत्यानाश हो रखा है ज़िंदगी का, तो ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। खुल के अपनी बातें शेयर करें, ना है तो ना, हाँ है तो हाँ, दैट्स इट, ठीक है। तो अपनी लाइफ में इस चीज़ को कंटिन्यू रखना सीखें, ओके। सेल्फ लव में आए, अपना पक्ष रखें, या तो जाएगा ही या तो आएगा ही। और अगर मान गया, अगर आप मेल देख रहे हैं, अगर आपने अपनी भावनाएं नहीं बताई हैं, अगर सामने वाले ने हाँ कर दी, तो भाई आपकी लाइफ को तो भाई जैसे कि कहते हैं ना, दरवाजे खुल जाना, वो हो जाएगा किस्मत के। सन है, 10 of Cups है, फूल है, और एस ऑफ वॉन्स है विद क्वीन ऑफ वॉन्स। भाई एक इज्जत के साथ में रिलेशन आगे बढ़ेगा, यकीन माने मेरा, बहुत ही औसम ज़िंदगी रहेगी आपकी इस इंसान के साथ में। इस इंसान की फीलिंग क्या है आपको लेकर, ये आपको आपकी इंट्यूशन बताएगी, क्योंकि यहाँ पे जैसा आप सोचेंगे वैसा ये इंसान आपको लेकर सोचेगा। अगर आप सोच रहे हो नहीं 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 उसके लाइफ में कोई है, तो वो भी वही सोचेगा, यार नहीं नहीं उसके लाइफ में कुछ है, यानी कि कोई अदर पर्सन, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि भाई 5 of Cups और 8 of Swords की एनर्जी से निकल कर आओ, अदरवाइज ये चीज़ आपको कहीं का कहीं लेके जाएगी। आपको जाना होगा लव के ट्रैक पर, आप पहुंच जाओगे ब्रेकअप के ट्रैक पे, दी एंड के ट्रैक पे, तो वहाँ नहीं जाना है आपने। इसलिए सोच समझ कर, इंट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए, फैसला लेते हुए आपको आगे बढ़ना है और वेटिंग मोड को ख़त्म करना है, बिकॉज ये यहाँ पर आपके लिए सेफ नहीं है। ओके बच्चा, तो आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी क्या है आपकी, आपके पार्टनर की, आपके लिए। कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे। Excuse me.
Nine of Swords. No words. Queen of Wands. Okay. तो गाइज आपको आपका सोलमेट डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपने यहाँ पे क्या करनी है, ओके पहला काम आपको यहाँ पे ओवर थिंकिंग, टेंशन, स्ट्रेस सबको त्यागना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्स आया हुआ है और नाइन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई किया है आपके सिक्स ऑफ कप्स हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अपने इनर वर्क को कंटिन्यू रखना है और इनर वर्क को करते हुए आपको अपने यहाँ पर मैनिफेस्ट करना है अपने ट्रू लव को, ठीक है। आपको यहाँ पे आपके ट्रू लव से मिलने से कोई नहीं रुक सकता। बात करूँ अगर आपके पार्टनर की भावनाओं की, तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर आपका टू ऑफ कप्स है, टेन ऑफ कप्स है, लवर्स है सबसे बड़ा कार्ड। तो आपके पार्टनर के मन में तो भय भर के फीलिंग्स है भाई आपके लिए, ठीक है। और आपकी आपकी ब्यूटी पे वो काफ़ी फिदा हैं। अगर आप मेल देख रहे हैं तो आप काफ़ी हैंडसम हो सकते हो, अगर आप गर्ल देख रही हैं या फिर वुमेन देख रही हैं तो आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर वो आपकी पर्सनैलिटी से, आपके विचारों से, आपकी खूबसूरती, ब्यूटी जो भी है आप में कुछ यूनिक, उससे काफ़ी ज़्यादा वो इम्प्रेस हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, ठीक है। और नाइट ऑफ वॉन्स के साथ में कंटिन्यू रखना चाहते हैं आपके साथ में, कम्युनिकेशन भी आ सकती है लेकिन वो थोड़ी सी फास्ट मोमेंट में आएगी, एकदम से आपके सर पे यूँ टप से गिरेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कम्युनिकेशन आया, कैसे क्या हुआ। लेकिन हाँ, आपको समझने की ज़रूरत है। और हाँ, फिर से कहूँगी लड़ाई झगड़ों से बचने, फिर से नहीं कहूँगी, आई थिंक मैं पहली बारी कह रही हूँ, लड़ाई झगड़ों से बचने की कोशिश करें, बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड्स जो होता है वो फटाफट से आता है और थोड़ा सा फटाफट से गुस्से में थोड़ा सा एनर्जी होती है, मतलब मैच्योर एनर्जी इतनी लेवल पर नहीं होती जितनी कि किंग होते हैं, ठीक है। इसीलिए कि क्वीन ऑफ वॉन्स यहाँ पर है, अगर आपके पार्टनर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है तो आपको ये चीज़ समझदारी दिखानी होगी, लड़ाई से आपको बचना होगा, क्योंकि ये इंसान थोड़े से ईगो में आएंगे। पता नहीं आप सभी के लिए आएंगे कि नहीं, लेकिन हाँ किसी किसी के लिए आएंगे, फॉर सम ऑफ यू इक्का दुक्का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझदारी दिखानी, आप समझ ही जाएंगे खैर उनके बात करने के टोन से भाई ये इंसान की क्या मंशा है। इसलिए आप स्टार्टिंग से ही लेवल पे रखें एनर्जीज को, और क्रॉस ना करने दें उनकी लाइन भी और ना ही अपनी क्रॉस करने दें अपनी लाइन को, ठीक है। और यहाँ पे बातचीत आपके लाइफ में आ सकती है क्योंकि वो आपसे बात डेफिनेटली करना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो आप दोनों की बातचीत होने के बाद में मुलाकात भी हो सकती है। एक और दो कार्ड है यहाँ पर, तो मुलाकात होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर आप दोनों की फैमिली गेट टुगेदर होने वाली है या फिर आप दोनों मिल चुके हैं, सब कुछ कंटिन्यू था लेकिन किसी रीज़न की वजह से आप दोनों का बोलना बंद हो गया था, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप दोनों के बीच में फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है। पता नहीं क्यों इंट्यूशन मुझे ऐसा मिल रहा है, फैमिली गेट टुगेदर इन द सेंस कि शादी की बात आगे बढ़ सकती है और फैमिली द्वारा बढ़ सकती है, ठीक है। आप दोनों की फैमिलीज मिल सकती हैं, काफ़ी लंबे साइड से आप रिलेशनशिप में थे, अब फाइनली आपका पार्टनरशिप का टाइम आ चुका है, तो आप दोनों की फैमिलीज यहाँ पर, आप दोनों की फैमिली आपस में मिलेंगी और बात आगे बढ़ेगी, कमिटमेंट तक जाएगी, शादी होने के पूरे पूरे चांसेस। लेकिन यहाँ पर टेन ऑफ कप है, एस ऑफ कप्स के साथ में, तो ट्रू लव कन्फेस होगा आपको, बेशक वो बताएंगे, आप उनको बता सकते हो अगर आपने नहीं बताया है तो, और यहाँ लाइफ आगे बढ़ेगी, फैमिलीज गेट टुगेदर हो सकता है, ओके। चलिए देखते हैं और आगे क्या है आपके लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें गाइस, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो, ठीक है। चलिए देखते हैं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वन मोर, जरूरतमंदों की सहायता। ओ कार्ड नीचे गिर गया भाई, एक सेकेंड। अपने इनर वर्क में, या फिर कहूँ कि आपको अपने अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में लाना होगा। तो ये हो सकता है कि आपके अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो है वो बैलेंस में ना हो, जिसकी वजह से कहाँ पे आपको इमोशनल होना है, कहाँ पे आपको लॉजिकल होना है, आपको इस चीज़ में
समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, या फिर कहूँगी आपको चीज़ों को बैलेंस करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। अगर आप दान दक्षिणा नहीं देते हो तो कंटिन्यू रखो इस चीज़ को, ठीक है, मतलब बढ़ाओ आगे, ज़रूरतमंदों की सहायता करो जिस भी रूप में आप करना चाहते हो, एनर्जी वाइज चाहे अर्थ वाइज, ठीक है। कुछ चीज़ें अपनी एनर्जी में लेकर आएँ, अपने लाइफ स्टाइल में, किसी भी इंसान को लेकर एकदम से धारणा ना बनाएं। कोई आया इंसान, उसने आपके आपके पार्टनर के बारे में कुछ कहा और आप बस उसको लेकर बैठ गए, नहीं वो ऐसे ही है, ठीक है। आपको भरोसा रखना है यहाँ पर अपने ईश्वर पर कि हाँ भाई सब ठीक हो जाएगा, आस्था रखें, विश्वास रखें, अपने डिवाइन टाइम का वेट करें। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ में, जैसे कि मैंने अभी कहा, अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस ज़रूर करें, बिकॉज हमेशा ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल किरदार निभाती है कि अगर आपके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपको कहाँ लॉजिकल होना है, कहाँ पे आपको फीलिंग शेयर करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ को संभालना सीखें, कोई और अदर पर्सन नहीं सिखा सकता है ये, और ना ही कोई पर्सनल रीडिंग से सीखता है, ना ही आपको कोई कोचिंग क्लासेस सिखा सकती हैं। सबसे बड़ी कोचिंग क्लास आपके अंदर बैठी है जो आपको सब सिखा देगी, बस एक बार इंट्यूशन को सुनना शुरू करें आप, ठीक है। और ये ज़रूर करें अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि अपने आप को थोड़ा सा काबू में नहीं रख पाते हैं, बिकॉज़ अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है और मैस्कुलिन एनर्जी बहुत कम है, तो इसीलिए बैलेंस में लेकर आएँ, मैस्कुलिन भी बराबर, फेमिनिन भी बराबर, एकदम इक्वल। तो कहाँ लॉजिकल, कहाँ आपको इमोशनल होना है आपको पता होगा। फीमेल भी देख रही है तो भी सेम रहेगा आप पर, और खुदा पर, अपने ईश्वर पर, जिसे भी आप मानते हैं उन पर भरोसा रखें, ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव आएगा, ओके। सो आपको अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखना है, और इसी तरीके से अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए बराबर आप अपने एफर्ट लगाएं, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।